स्टूडेंट्स आज हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज सॉइल, क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ से। व्हाट इज सॉइल एंड हाउ इट इज फॉर्म, मिट्टी क्या है और ये कैसे बनती है। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस विच कवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज टर्म्ड एज सॉइल। वो छोटी परत, पतली परत जो अर्थ के सर्फेस को ढकती है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू लैंड, ये किससे रिलेटेड होती है, लैंड से रिलेटेड होती है। लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, जो लैंड फॉर्म्स है वो हमें बताते हैं कि किस टाइप की मृदा है वो। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो सॉइल है वो ऑर्गेनिक मैटर से बनती है, मिनरल से बनती है, वेदर्ड रॉक से बनती है, सिचुएटेड ऑन द अर्थ, जो अर्थ के ऊपर रॉक्स होते हैं। दिस टेक प्लेस व्हेन द थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, ये किसके कारण लेती है, वेदरिंग के कारण लेती है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर जब दोनों मिल जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं कि सॉइल फर्टाइल हो गया। दैट मीन्स जो मृदा है वो क्या होगी, उपजाऊ होगी। यहाँ पे देखो ग्लोसरी में आपको दिया हुआ है वेदरिंग, वेदरिंग क्या होती है, व्हाट इज वेदरिंग, क्वेश्चन है यहाँ से आप लोगों का, व्हाट इज वेदरिंग, ये पूरा आंसर लिखोगे आप। द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज रॉक बाय टेम्परेचर चेंज फ्रॉस्ट एक्शन एनिमल्स प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। वेदरिंग क्या होती है, पत्थरों का टूटना किसके कारण, टेम्परेचर के कारण, फ्रॉस्ट एक्शन के कारण मतलब धुंध वगैरह के कारण, पशु के कारण, पौधों के कारण और ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। जो रॉक्स टूट कर छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाते हैं हम उसको क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है सॉइल प्रोफाइल का। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। सबसे पहले टॉप सॉइल में क्या होती है, ह्यूमस होती है, उसमें क्या होता है, वेजिटेशन होती है, मतलब ग्रीन हम हरी हरी सब्जियां या घास वगैरह उग जाती है। फिर सेकेंड में आपको दिया हुआ है सब सॉइल विद सैंड क्ले एंड सिल्ट। फिर दूसरे पार्ट में क्या होते हैं मिट्टी के, जब हम सेकेंड लेयर में जाते हैं तो सेकेंड लेयर में हमारी रेत होता है, क्ले होती है, चिकनी मिट्टी होती है, गाद होती है। थर्ड में वेदर रॉक मटेरियल होता है, वही वेदर के अकॉर्डिंग वही रॉक्स किस तरीके से वेदर के ऊपर डिपेंड करते हैं, भाई वो टूट रहे हैं किस वेदर का रॉक। ठीक है, लास्ट में पेरेंट रॉक्स होते हैं, यहाँ पे जो है पानी सबसे लास्ट में पहुंचता है, तो ये हमारा लास्ट लेयर है, हम उसको क्या कहते हैं, पेरेंट रॉक कहते हैं। ठीक है, ये क्या डिटरमाइन करते हैं, कलर डिटरमाइन करते हैं कि किस टाइप की मृदा है। ठीक है, टेक्सचर मतलब वो उसको छूने पे कैसे, वो चिकनी है, हार्ड है, सॉफ्ट है। ठीक है, मिनरल इसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं कंटेंट्स, और केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब इसके अंदर पानी जो है वो जाते रुक जाता है या नहीं रुकता, ये हमारी लास्ट लेयर होती है। ठीक है, पेरेंट रॉक। नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यहाँ से क्वेश्चन लिखोगे आप लोग, व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स कौन से। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये डायग्राम बनाना है और डायग्राम में ये आप लोगों को क्या करना है, लर्न करना है। सॉइल बनती कैसे मैं बता देती हूँ, द मेन फैक्टर्स सॉइल फॉर्मेशन पेरेंट रॉक और क्लाइमेट फैक्टर। वही मैंने बोला कि पेरेंट रॉक क्या होता है और क्लाइमेट फैक्टर भी, क्लाइमेट किस तरीका है वहाँ का। अगर देखो जहाँ शुष्क होगा तो मिट्टी क्या होगी, बहुत ज्यादा शुष्क होगी राजस्थान साइड एरिया में। अगर समुद्री साइड जाएगी तो वहाँ पे क्या होता है, मौसम ठीक होता है, तो वहाँ पे मिट्टी क्या होगी, उसमें क्या पाई जाएगी, नमी पाई जाएगी। तो हमारा क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है कि मृदा किस टाइप की होगी, वहाँ पे कैसी फॉर्म होगी सॉइल की। टोपोग्राफी साइज कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, उसमें ऑर्गेनिक मैटर कैसे कर मटेरियल क्या होते हैं। टाइम टेकन फॉर कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, और कितना टाइम ले रहा है सॉइल बनने में, ये सारे क्या है फैक्टर्स हैं। अब लोगों को सबसे पहले देखो सॉइल पेरेंट रॉक में क्या आपको डिटरमाइन करना, वही मैंने बोला है कि पेरेंट रॉक में क्या होता है, सबसे लास्ट लेयर थी ना आपकी डिटरमाइन, ये वेदर रॉक के लिए होती है। तो क्या करती है, कलर बताती है, टेक्सचर की छूने में कैसी है, मिनरल्स हैं उसके अंदर, क्या क्या कंटेंट्स हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज उसमें क्या क्या है, और परमेबिलिटी भी, इसमें उससे पानी पास हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे देखते क्लाइमेट के डिटरमाइन करता है फैक्टर के लिए, सॉइल के लिए टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसी हो रही है, वेदरिंग कैसी हो रही है और ह्यूमस कैसा है उसके अंदर। फिर आ जाता है रिलीफ, रिलीफ मतलब उसके कैसा है वो एल्टीट्यूड, उसकी हाइट कैसी है, स्लोप कैसे, वो कितनी टेढ़ी है, कितनी तिरछी है, कितनी हाइट से डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, और बताते कि वो सॉइल की एक्यूमुलेट कैसे कर रहा है। ठीक है, इकट्ठा कैसे कर रहा है सॉइल। फ्लोरा फ्यूना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्लोरा जिस जो हमारा फूल से रिलेटेड होता है, फ्लावर से रिलेटेड होता है, फ्यूना एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये ह्यूमस को कैसे इफेक्ट करती है। टाइम में डिटरमाइन करते हैं कि डिटरमाइन थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, कि उस वो मिट्टी कैसी है, टाइम के अकॉर्डिंग उसमें मिट्टी कैसी है, भाई टाइम के अकॉर्डिंग भाई मिट्टी कितनी मोटी होती जा रही है या कितनी उड़ रही है, ये हमारा टाइम जो है वो मैटर करता है। ठीक है, सॉइल के लिए। आगे क्वेश्चन, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन, भी सॉइल कैसे खत्म हो रही है और हम उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। सॉइल इरोजन एंड डिप्रेशन मेजर चेंजेस टू सॉइल और रिसोर्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स। ये जो सॉइल इरोजन, जो मृदा अपरदन हो रहा है, ठीक है, डिप्लेशन जो मिट्टी कम हो रही है, ये मेजर फैक्टर है सॉइल को रिसोर्स के लिए। बोथ ह्यूमन एंड
नेचुरल फैक्टर्स कैन कॉज डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। मानव और जो प्राकृतिक फैक्टर्स हैं, जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, ये दोनों मिट्टी को खत्म करने में हेल्प करते हैं। फैक्टर्स आर मेन फैक्टर लीडिंग टू द सॉइल डिग्रेडेशन आर ओवरग्रेजिंग, मतलब मिट्टी कैसे खत्म हो रही है, ज्यादा पशुओं को अगर हम चरा रहे हैं, डिफोरेस्टेशन पेड़ काट रहे हैं, ओवर यूज ऑफ केमिकल अगर हम केमिकल्स का उर्वरकों का ज्यादा यूज करें, पेस्टिसाइड जिनसे कीड़े मकोड़ों को मारा जाता है, लैंडस्लाइड हो रही है, रेन वॉश कितनी बारिश आ रही है और फ्लड, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, फैक्टर्स इफेक्ट करती हैं सॉइल डिग्रेडेशन को। ठीक है, मतलब ओवरग्रेजिंग, डिफोरेस्टेशन, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, लैंडस्लाइड, रेन वॉश एंड फ्लड, ये मेजर फैक्टर है सॉइल डिग्रेडेशन के लिए, मिट्टी को खत्म करने के लिए। सबसे पहले अब कंजर्व कैसे कर सकते हैं सॉइल को, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपको, क्वेश्चन लिखना आपको स्टेट सम मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन के लिए सॉइल को हम कैसे बचा के रख सकते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है, मेथड्स बताने हैं कि कैसे कैसे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। सबसे पहले मल्चिंग है आप लोगों का, द बैकग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन मॉइस्चर। अब जैसे ग्राउंड खाली पड़ा है, हमने उसके अंदर पौधे लगाए और उनको ऑर्गेनिक विद द लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, और हमने उनके बीच क्या लगा दिए, स्ट्रॉ लगा दिए, जिससे कि जो मिट्टी है वो वहीं पे बनी रह सके और उसके अंदर क्या बना रह सके, मॉइस्चर बना रहे, नमी बनी रहे। कॉन्शियर बैरियर्स क्या होते हैं, ग्रास स्टोन सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कॉन्शियर, कॉन्शियर्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसके अंदर घास लगा देते हैं, एक लाइन बनाते हैं घास की, पत्थरों की, मिट्टी की, हम ढलान बना देते हैं। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ बैरियर्स टू कलेक्ट, ट्रेंचेस होते हैं खंड के, मतलब हम उनमें थोड़ा थोड़ा गड्ढा कर देते हैं जिससे कि पानी क्या हो सके, रुक सके। रॉक डैम क्या होते हैं, पत्थरों के डैम बनाए जाते हैं, रॉक्स आर पाइल्ड फ्रॉम स्लोइंग डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, मान लो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम वहां पे क्या लगा देते हैं, रॉक्स का डैम बना देते हैं ताकि जो मिट्टी है वो आगे बह के ना जा सके, वहीं तक ही वो क्या रख सके, स्टॉप रह सके, वहीं पे कंजर्व रह सके। अवॉइड गलीज एंड फर्दर लॉस सॉइल, और हम क्या बना देते हैं, गलीज बना देते, जैसे कि ये देखिए ना कंट्री रॉक डैम में आपको क्या करना है, जैसे कि हम क्या लगा देते हैं, संभाल इसके अंदर पानी, और हमने इसके चारों ओर क्या लगा दी, पत्थरों की क्या लगा दी, लाइन्स लगा दी। ठीक है, ये हमारे तो रोक डैम। टेरेस फार्मिंग क्या होते हैं, दीज आर फॉर्म ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट द फ्लैट सरफेस मे बी अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप, टेरेस फार्मिंग क्या होती है, हम इसमें क्या लगाते हैं, काफी ढलानदार, देखो जैसे ये ढलानदार है ना, हमने इनके बीच में क्या लगा दिया, इसको इस तरह से जिगजैग फॉर्म बना रही है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, ऐसे। ये इस तरीके से हमारी क्या बनी, जैसे सीढ़ियां होती है ना, सेम ऐसे ही हमारा टेरेस फार्मिंग होता है, इससे क्या होता है, जो मिट्टी है वो यहीं पे रुक जाती है, आगे ज्यादा बहती नहीं है, दे रिड्यूस सॉइल इरोजन, सरफेस रन ऑफ, इससे क्या होता है, मिट्टी रुक जाती है और ज्यादा सरफेस भी यूज नहीं होता। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, अगर हम दो